वेलकम फ्रेंड। फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कटर मशीन के बारे में फ्रेंड, जो कि हमारे नॉर्मली घरों में जो यूज़ होती है पत्थर या फिर चौके वगैरह टाइल्स वगैरह काटने में जो फ्रेंड जो मशीन यूज़ की जाती है फ्रेंड, उसके बारे में आज हम बेसिक से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो फ्रेंड आई इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बिना खोले आप उस मशीन को कैसे पता कर सकते हैं कि फ्रेंड उसमें क्या ख़राब हुआ। तो ओके फ्रेंड, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल हैप्पी इलेक्ट्रो भाई वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ओके फ्रेंड, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। फ्रेंड तो हमारे पास जो है कि चौक में आप देख सकते हैं कि आगे की साइड से फ्रेंड जो है कि काफ़ी ख़तरनाक उसमें चिंगारियाँ वगैरह निकल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड से जो कि हमारा जो आगे का चिंगारी जो निकल रही है, इसके वजह से फ्रेंड जो कि हमारा आर्मेचर जो है कि एकदम ख़राब हो चुका है फ्रेंड, क्योंकि इसमें आगे की तरफ से चिंगारी निकल अगर फ्रेंड पीछे के साइड से चिंगारी वगैरह निकलती तो फ्रेंड फिर हम कन्फ्यूज़ रह सकते हो सकता है फ्रेंड हमारा आर्मेचर के कार्बन बुश ख़राब हो या फिर हमारे फील्ड कॉइल ख़राब हो या आर्मेचर भी ख़राब हो सकता है। लेकिन फिर अगर आगे से आपकी किसी मशीन में इस प्रकार से अगर चिंगारी निकलती है तो फ्रेंड उससे आप आसानी से समझ सकते हो कि फ्रेंड आपका परफेक्टली जो है कि एकदम आपका आर्मेचर ही ख़राब हुआ है। फ्रेंड आपको न्यू ही उसमें आर्मेचर डालना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड इसमें जो है कि मैग्नेटिक कोयल जो है कि फ्रेंड हमारी ख़राब नहीं हुई। फ्रेंड अगर इसमें अगर मैग्नेटिक कोयल हमारी ख़राब होती है तो फ्रेंड जो है कि इसमें मैग्नेटिक पावर नहीं बनता। फ्रेंड इसमें मैग्नेटिक पावर तो बन रहा है, इसकी वजह से हमारा आर्मेचर घूम तो रहा है लेकिन फिर साथ में चिंगारी निकल रही है। इसका अर्थ ये हो रहा है फ्रेंड कि हमारा जो है आर्मेचर ख़राब हो चुका है। तो फ्रेंड जो है कि सबसे पहले मैं आपको उसको खोल के भी दिखाने वाला हूँ कि फ्रेंड किन कारणों से जो है कि हमारा आर्मेचर ख़राब हुआ है। फ्रेंड आर्मेचर जो हमारा काफ़ी वजह से ख़राब हो जाता है। फ्रेंड हो सकता है हमारा आर्मेचर जो है काफ़ी लोड पड़ने से भी वो ख़राब हो जाता है, उसके साथ साथ में फ्रेंड जो है कि उसमें बेयरिंग वगैरह चले जाने से भी फ्रेंड वो ख़राब हो जाता है या गरारी वगैरह ख़राब हो जाने से भी फ्रेंड हमारा आर्मेचर ख़राब होता है। तो सबसे पहले जो है कि हम स्विच का भी कनेक्शन आपको दिखाने वाला है कि फ्रेंड वहाँ से भी इसमें कोई फॉल्ट वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम स्विच वगैरह खोल लेंगे, उसके बाद में फ्रेंड जो है कि हम इसे पीछे के साइड हमारे इसमें जो मेन नट दिए हुए रहते हैं तीन जो फ्रेंड उसको भी हम खोल लेंगे। तीनों नटों को खोलने के बाद में फ्रेंड जो है कि हम मशीन को एकदम परफेक्टली रूप से बाहर निकाल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें जो है कि फ्रेंड इसमें क्या करें। तो फ्रेंड आपको जो है कि यहाँ से भी तीनों नट को जो निकाल लेना है फ्रेंड इसमें कटर के। इसके बाद में फ्रेंड जो है कि आप यहां से हम इसे बाहर निकाल सकते हैं फ्रेंड, जो कि हमें इसे को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड हम इसे पूरा बेस को ही यहां से बाहर निकाल लेंगे एकदम परफेक्टली। तो उसके लिए फ्रेंड जो है कि हम पीछे वाले जो नट है इसके तीनों नटों को खोलकर इसे हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। फ्रेंड हमें आगे से इस पत्ती को जो है कि कटर को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फ्रेंड आप पीछे वाले जो नट है फ्रेंड उनको खोल लीजिए। पीछे वाला नट को जो हम जैसे यहाँ से निकालेंगे फ्रेंड, यहाँ से पीछे वाला नट को हम बारीक एकदम जो है कि तीन नट यहाँ पे दिए रहते कंपनी से, फिर हमें तीनों नटों को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले जो है कि फ्रेंड मैं तीनों नटों को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद में फ्रेंड जो है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है कि हमारा जो आर्मेचर ख़राब हुआ। तो फ्रेंड इसके लिए आपको यहाँ पे एक रबड़ हथौड़ी से फ्रेंड जिसको हल्का सा हैमर करेंगे तो बाहर निकल जाएगा। फ्रेंड आपको हैमर करते वक्त ध्यान रखना है कि आपको हैमर धीरे से करना है, क्योंकि फ्रेंड इसमें गरारी वगैरह होती है जो कि टूटने का इसमें डर रहता है। तो फ्रेंड इसको हल्का हल्का सा हिलाकर ही आपको बाहर के साइड निकालना है। तो फ्रेंड इस प्रकार से देखिए कि हमारी जो यहाँ पे जो है कि गरारी एकदम इसमें फिक्स से लगी हुई रहती है। फ्रेंड इसमें गरारी वगैरह के आटे तो हमें एकदम परफेक्टली सही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमारी गरारी तो ख़राब अभी नहीं हुई है। फ्रेंड तो हम उसमें आगे ही देखने वाले कि इसमें हमारा मेन क्या ख़राब हुआ है। तो फिर इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा बेयरिंग है वो एकदम चुरा चुका है, यानी कि फिर उसके छर्रा जो बॉल है वो एकदम बिखर चुके हैं। तो उसके छर्रा वर्रा सभी एकदम परफेक्ट ख़राब हो चुका है। फ्रेंड तो हमें इस छर्रे को भी यहाँ से बाहर निकालना है। उससे पहले एक छोटी गरारी जो है कि फ्रेंड हमारी आर्मेचर के साफ्ट पे लगी हुई है। फ्रेंड हम इसे भी यहाँ से जो है कि बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड ये आसानी से निकल जाती है क्योंकि इसमें चाबी लाख लगा रहता है अंदर के साइड से। फ्रेंड उसके बाद फ्रेंड हल्का सा बेयरिंग को पकड़ के आप जब मशीन पर हैमरिंग करोगे तो फ्रेंड जो है आपका बेयरिंग का जो वगैरह मटेरियल है ये सब बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड आपको जो है हल्का सा इसे पकड़ के यहाँ पे खींचना है, हल्का सा हैमर करोगे फ्रेंड इस प्रकार से जो आपका बेयरिंग है एकदम बाहर आ जाएगा। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेयरिंग है जो एकदम टूट गया 608 का इसमें बेयरिंग लगता है फ्रेंड फर्स्ट का फ्रंट पिलर पे जो फ्रेंड इसमें, और इसमें जो कहीं भी इसमें जो 62 का भी बेयरिंग लगता है फ्रेंड। तो इस प्रकार से फ्रेंड जो है कि हमारा आर्मेचर आप देख सकते हैं कि जो कि यहाँ से ये ख़राब हुआ फ्रेंड, यहाँ से हल्का सा काला पड़ रहा है फ्रेंड, यहाँ से फूटा हुआ है। उससे पहले फ्रेंड जो है कि मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड कोयल दिखा देता हूँ कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड कोयल है वो एकदम परफेक्टली एकदम यानी कि सही है फ्रेंड्स।
ये कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ। फिर हमारे बेयरिंग की वजह से जो है कि हमारा फील्ड कोयल पर काफ़ी असर पड़ा, यानी कि फिर ये भी डैमेज हो सकती थी लेकिन ये डैमेज हुई नहीं है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी घसा चुकी है, यानी कि यहाँ पे काफ़ी घर्षण उसका जो हुआ है, जिसकी वजह से फिर जो है कि हमारा हमारे जो फील्ड कोयल ने तो है फिर उसका लोड सहन कर लिया, लेकिन आर्मेचर जो है फिर उसका जो है कि मेन जो फुल पावर लोड है वो सहन नहीं कर पाया, इसकी वजह से ब्लास्ट हो गया फिर, और उसी की वजह से फिर जो है कि इसमें चिंगारी वगैरह निकल रही है। फिर जो है कि कस्टमर जब इनको यूज़ करते हैं जब हल्का सा इसमें वो लापरवाही की वजह से फिर जो है कि इस प्रकार से हो जाता है। फिर अगर वो हल्का सा इसमें जब आवाज़ आने लगती है तभी चेक कर ले तो हो जाता। फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ से डैमेज हुआ है। वैसे इसकी वेंडिंग कॉपर में है फिर, लेकिन कॉपर में होने के बाद फिर इसमें जो है कि जो 33 नंबर कॉपर वायर से इसको वेंडिंग किया है, उनकी वेंडिंग भी इसकी काफ़ी पतली की, यानी कि फिर ये नोकल आर्मेचर है फ्रेंड, जिसकी बैंडिंग जो है कि मुझे एकदम समझ में नहीं आया, काफ़ी घटिया का क्वालिटी का ये आर्मेचर है फ्रेंड। इसमें फ्रेंड जो है कि इस आर्मेचर को अभी हम देख सकते हैं कि फिर इसमें काफ़ी हल्का ये आर्मेचर है फ्रेंड, इसमें इसीलिए फिर इसके ब्लास्ट हल्का सा अगर फ्रेंड देखा जाए जो हमारा आर्मेचर है 26 या 28 या 25 नंबर के अगर SW से फ्रेंड अगर ये वेंडिंग होता तो काफ़ी अच्छा रहता फ्रेंड। तो फ्रेंड यही इतना ही से आज के इस वीडियो में, फ्रेंड मिलते हैं कि नहीं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना।